गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आज सैटरडे और अभी बजे हैं सुबह के 6:15 होंगे और दोनों बच्चे उठ गए हैं। देखिए 6 भी नहीं बजे, दोनों बच्चे उठ चुके हैं तो दोनों बच्चे अभी पी रहे हैं दूध और साथ में अपनी देख रहे हैं पोयम। भाई छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं, 6 बजे कुछ भी। और उसके बाद देखिए मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज, बिकॉज दोनों बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, मेरी एक्सरसाइज होगी। उसके बाद मैंने किया सारे पेड़ों को पानी, जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं सबको जाके मैं दे रही हूँ पानी, क्योंकि सुबह सुबह पानी देना होता है प्लांट्स को, तो सुबह सुबह मैं दे देती हूँ उठने के बाद। तो सबसे पहले मैं ख़त्म करूँगी अपना ये वाला काम और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह मैं 2 से 3 घंटे में अपने घर के सारे काम कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि धरारियाँ दोनों प्रॉपर उठ चुकी हैं यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने लगा दिया मशीन, बिकॉज यहाँ पर कपड़े मैंने रात को मशीन में डाल दिए थे और यहाँ पर सारे कपड़े मैं करूँगी तय। जितने मेरे कपड़े वॉश होंगे इतने मैं जा रही हूँ नीचे स्किपिंग के लिए, बिकॉज मैंने स्किपिंग ले ली है अभी, मैंने 10 दिन से स्टार्ट की है तो यहाँ पे मैं स्किपिंग करने जाती हूँ। और मैंने 50 से स्टार्ट की थी, अभी मैं 300 के आसपास आ गई हूँ, मतलब 300 स्किपिंग कर रही हूँ, उससे ज़्यादा भी नहीं बढ़ाऊंगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पाँव वाँव में दर्द होने लग जाता है। तो ये मैंने अभी स्टार्ट किया 1 वीक से, मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मुझे स्किपिंग स्टार्ट करनी है तो वो मैं करके आ गई। और उसके बाद मैं निकालू डिश वॉशर में से बर्तन, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी बर्तन। सुबह सुबह इतने काम होते हैं एक के बाद एक 11-12 कप बच जाते हैं, चाहे छुट्टी हो चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर डिश वॉशर में से देखिए मैंने बर्तन भी निकाल के रख दिए हैं और डिश वॉशर को कर दूंगी बंद। और उसके बाद मैं यहाँ पर पीऊँगी सबसे पहले गर्म पानी और यहाँ पर मैंने कपड़े भी तय कर दिए और यहाँ पर चल रही है मेरी मशीन और बच्चों को लगी है भूख, बिकॉज 7:30 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट कर दिया तो इनको खानी है चीज़ ब्रेड। धारा खाएगी चीज़ ब्रेड और आर्या खाएगी प्लेन ब्रेड नमक डाल के। तो यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड जो है वो सेक के लाई हूँ और दोनों को सबसे पहले कराऊंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि दोनों को भूख लगी है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या है कि फिर इनको आराम से नहलाया जाएगा, दोनों नहा लेगी। अभी इनको भूख लगी है तो कह रही है कि नहीं पहले हमें ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करके नहाना है। और जैसे कि आज 4th नवरात्रि है तो यहाँ पर ग्रे कलर वियर करते हैं, तो मैंने ग्रे कलर की साड़ी वियर की और सबसे पहले मैंने की पूजा, बिकॉज धरारिया को ब्रेकफास्ट करा दिया तो फ्री हो गई थी तो हम लोगों ने कर ली पूजा। और यहाँ पे धरारिया दोनों नहा के आ गई हैं, सौरभ ने दोनों को नहला दिया था बिकॉज मैं पूजा वगैरह कर रही थी। तो और यहाँ पे दोनों कर रही है अपने बीट से काम, देखिए बीट से अपनी माला बना रही है। और यहाँ पे मैं बन गई दोबारा से शांता भाई, बिकॉज मैंने कर लिए कपड़े चेंज और अब मैं लग गई अपनी ड्यूटी पर। और यहाँ पे सौरभ के लिए बन रहे बॉम्बे सैंडविच ब्रेकफास्ट में और मैं बनाऊंगी अपने लिए बेसन का चीला और एक तरफ बन रही है चाय। और यहाँ पे धरारे ने क्या करें, जितने भी बीट्स थे वो पूरे घर में देखे इस तरीके से फैला दिए और अब वो सारा क्लीन अप कर रही है, सारे बीट्स इकट्ठे कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं सौरभ ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में मैंने आपको बताया सौरभ के लिए बने बॉम्बे सैंडविच और मैं अपने लिए बना रही हूँ बेसन का चीला, बिकॉज मुझे बॉम्बे सैंडविच नहीं खाना था तो मैंने यहाँ पे अपने लिए बना लिया बेसन का एक चीला, तो मैं खाऊंगी बेसन का चीला। और यहाँ पे धरारिया जैसे कि अभी 9 बज गए हैं तो अब उन्होंने उस टाइम एक एक ही ब्रेड खाई थी, तो यहाँ पे इन दोनों ने लिया छुट्टी वाले, छुट्टी है तो भाई अपनी पसंद का खाना लेंगी, तो यहाँ पे इन्होंने लिया कि हमें फ्रेंच फ्राइज खाने, तो यहाँ पे इन दोनों को दिए मैंने फ्रेंच फ्राइज और वहाँ पे मैं बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। और उसके बाद धारा लगी हुई है अपने वही बीट्स के अंदर और आरिया देख रही है अपनी पोयम इस टाइम। और उसके बाद मैं करूंगी आगे के काम, सबका ब्रेकफास्ट हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले सारे बर्तन लगाऊंगी डिश वॉशर में, बिकॉज यहाँ पे सारा किचन वगैरह जो है सारा क्लीन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने डिश वॉशर में लगा दिए और यहाँ पे मैंने धो दिया मसालदानी, बिकॉज मैं एवरी सैटरडे संडे में से एक दिन मसालदानी वॉश कर देती हूँ, तो उससे क्या है मसालदानी एकदम क्लीन क्लीन बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने दाल चावल भिगो दिया जो बनेंगे मेरे दोपहर में। और उसके बाद मैंने की है पूरे घर की सफाई, तो आप घर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब साफ होने के बाद पूरा घर इतना अच्छा लगता है ना, बच्चों का रूम वूम सारा सामान एक साथ पूरा इकट्ठा करके रख दो तो सीरियसली मैं बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद देखिए मैंने ये साड़ी वियर की थी तो मैं करूँगी साड़ी वगैरह का सारा तय करूँगी और इनको रखूँगी अलमारी में। और यहाँ पे जो है मेरे देखिए कपड़े भी वॉश हो गए, तो सबसे पहले मैं सुखाऊंगी कपड़े यहाँ पे मैं बाथरूम में आ गई तो सुखा रही हूँ कपड़े, बिकॉज उसके बाद मैं तैयारी करूंगी लंच की, क्योंकि धरारिया का लंच का टाइम भी हो जाएगा और वो दोनों तो खैर अभी सो ही जाएंगी, देखती हूँ उन्हें फ्रूट ट्राई करूंगी, अगर वो फ्रूट लेंगी तो उन्हें खिलाऊंगी मैं फ्रूट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सुखा रही हूँ कपड़े, देखिए मतलब धरारिया के मतलब एक एक दो दो पेयर तो रोज हो ही जाते हैं, आराम से कीटा जाती है तो वहाँ पे इतने कपड़े गंदे कर लेती हैं, घर आके चेंज करती हैं। तो इस तरीके से मुझे डेली बेसिस के ऊपर ही मुझे मशीन लगानी होती है, बिकॉज धरा रही है कि 2-2, 3-3 पेयर कपड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। और यहाँ पे धरा कर रही है मस्ती अपने पापा के साथ, तो कह रही है कि पापा मुझे आपके शोल्डर पे बैठना, और इस तरीके से बैठ के घूम रही है पूरे घर में। इसको इतना मज़ा आता है ना कि ये मतलब खुशी देखो इसकी, मतलब इतनी झलकती है, इतना खुश होती है, बहुत इंजॉय करती है इस तरीके से। मम्मा मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, पापा दादा दादी किसी के साथ भी सबके साथ बैठने को तैयार रहती है और सबके साथ बहुत इंजॉय करती है, इसको आता है बहुत ज़्यादा मज़ा। सीरियसली मैं देख रही हूँ इतना खुश है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े भी सारे सुखा दिए तो मेरे कपड़ों का काम हो गया ख़त्म। और जो ये कपड़े अब होंगे कल वॉश, जब कल और कपड़े होंगे तो उनके साथ लगेगी दोबारा मशीन,
तो यहाँ पे धरारिया ने चलाया अभियान कि अभी मक्खी मारनी है। तो देखिए जगह जगह मक्खी ढूंढ रही है और मक्खी मिल नहीं रही है। तो कभी देखिए ये रही पापा, ये रही पापा, ये रही। तो इस तरीके से दोनों ने लगाया मक्खी अभियान कि हमें मक्खी मारनी है। यहाँ पे मक्खी मारने वाला ले लिया है और लगी हुई है, चाहे मक्खी मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें मक्खी मारनी है, मक्खी मारनी है, मक्खी मारनी है। इस तरीके से दोनों लगी हुई, और यहाँ पे दोनों की हो रही है लड़ाई कि बंक बेड पे पहले मैं जाऊँगी, पहले मैं जाऊँगी, पहले मैं जाऊँगी, पहले मैं जाऊँगी। तो इनके पापा इनको समझा रहे हैं कि एक एक करके जाओ तुम गिर जाओगी, लेकिन ये दोनों, इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे इनके पापा इनको लगा रहे हैं खेल में कि यहाँ पे बताओ कि लॉयन कहाँ है, टाइगर कहाँ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे किस तरीके से दोनों चढ़ गए बंक बेड के ऊपर, और यहाँ पे देख रहे हैं बैलून्स, मतलब इन्होंने ऊपर वाला जो बंक बेड है उस पर बैलून्स रखे हुए हैं और वहाँ पे कर रही है प्ले। और उसके बाद मैंने पहन लिया दूसरा आउटफिट बिकॉज मुझे इसका शूट करना था, तो उस टाइम सुबह सुबह मैं कर नहीं पाई थी, तो अभी मुझे टाइम लगा था, मैंने जल्दी से किया शूट। और उसके बाद मैं धरा रही दोनों के लिए कट करके लाई हूँ फ्रूट, बिकॉज इन दोनों को खिलाऊंगी थोड़ा सा फ्रूट ही, फिर दोनों सो जाएंगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन, तो आज बनने वाली है दाल और चावल और मसालदानी। देखिए मैंने आपको बताया जैसे हफ्ते में एक बार क्लीन कर दो तो पूरा नीट एंड क्लीन रहती है, इतनी सुंदर लगती है, देखने में भी खुद को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी तड़के वाली दाल बनके तैयार है और अभी बन रहे मेरे चावल। तो आप लोग भी आ जाइए डिनर पे, और आप लोगों ने क्या क्या बनाया मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और देखिए हमारे यहाँ दाल में लगता है केवल टमाटर का तड़का, और दाल का कलर देखिए पूरा ढाबा स्टाइल, इतनी मस्त दाल बनती है ना। तो जल्दी आइए और हम सब साथ में मिलकर करते हैं लंच।